काठगड़ारे आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना बीजेडी सरकारको निर्वाचनी गोटी को लागिछि अदालती झटका। ओडिशा सरकारको आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना उपरे हाईकोर्ट छाट। बिना ग्राम सभारे आर्थिक मंजूर राजनैतिक उद्देश्य बोले एक प्रकार प्रमाणित होइछि, जहाँ पर रोक लगाइछन्ति हाईकोर्ट। आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना प्रति पंचायत को 50 लाख टंका मंजूर करते राज्य सरकार। ओडिशा सरकार को यह निष्पत्ति हाईकोर्ट अंतरण निर्देश देते ग्रामसभा ग्राम पंचायत अनुमोदन ने ही प्रकल्प चयन पर हाईकोर्ट निर्देश देते। निर्वाचित जनप्रतिनिधि को प्रकल्प चयन निष्पत्ति सामिल करने को हाईकोर्ट राय देते। बालेश्वर बस्तार 9 जन सरपंच दरखास्त को विचारपाई ग्रहण करते हाईकोर्ट। निर्वाचित प्रतिनिधि बदल में सरकारी अधिकारी जरिया प्रति पंचायत 50 लाख टंका खर्च करने योजना। हाईकोर्ट में सरपंच पक्षर् मामला लड़ुवा वरिष्ठ आईनजीवी पीताम्बर आचार्य जुक्ति बाढ़ी जे सरकार एमती व्यवस्था पंचायतराज व्यवस्था और जनप्रतिनिधि प्रति क्रूर उपहास। सरकार एमती निष्पत्ति 73वां संविधान संशोधन विरुद्धाचरण कर हाईकोर्ट यह मामला को गुरुतर सहित नेवा सह गुरुत्वपूर्ण राय देते। मामलार परवर्त शुना सेप्टेम्बर 27 तारीख रहा। संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि इमरान खान। रही इमरान, आम ओडिशा नवीन ओडिशा जो ब्रांड क्रिएट करते राज्य सरकार ताको अदालती झटका लगी जनप्रतिनिधि को सामिल करवा ग्रामसभा करवा प्रकल्प चयन कर जनप्रतिनिधि को सामिल करवा ये जो ये बड़ निर्देश देते हाईकोर्ट एटा के बड़ झटका राज्य सरकार का जेहतु राज्य सरकार को एक शक्त झटका लगे खास करके जो आम ओडिशा नवीन ओडिशा जो कार्यक्रम राज्य सरकार आरंभ करते चलित बर्ष जुलाई मस आरंभ करते जिते तुम्बी तुफान राज्य लगी रही है यहां जिते बड़े त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था रही जो तार जो कि नियम नियमावली रही है कौटा कौटि यह उल्लंघन करती कहीं जिते बड़े यही योजना मध्यम सीधा सड़क भाव में जो 50 लाख टंका प्रति ग्राम पंचायत को आसूसी ता सीधा सड़क भाव में अधिकारी मानक जरिया से प्रकल्प कार्यकारी करुच्च प्रकल्प को से रोड मैप तैयारी कर समस्त प्रकल्प हाथ में रोचे जहां कौन जनप्रतिनिधि मानक पाक आसपा जहाद्वारा कि बालेश्वर जिलार जो बस्ता ब्लक रही बस्ता ब्लक पाखापाखि 9 जन निर्वाचित सरपंच मैंने हाईकोर्ट को द्वारा होते हैं हाईकोर्ट प्रार्थना करते जो आमर जो अधिकार रही जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो आमको नियमावली रही है आमको सामिल करमक विरोध कर सीधा सख भाव में यही कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी मानक संपुक्ति रही है यहां नहीं कि हाईकोर्ट में प्रार्थना करते हाईकोर्ट जेहतु पुंगानुपुख भाव में समस्त पत्र आवेदन को शुणिले से प्रार्थना को शुणिले शुणा पर आवेदन पक्ष जो थे वरिष्ठ आईनजीवी पीताम्बर आचार्य से युक्ति उपस्थापन करते जो संविधान धारा जो रही है संशोधन पद्धति को पूरापूर भाव में उल्लंघन करती है यहां कोटा कोटी जो सरकार निजे जेहतु नियम तैयारी करते निजे नियम तैयारी करके किपर भाव से उल्लंघन करते से स्पष्टीकरण रखते जहां हाईकोर्ट पूरापूरी भाव में शुणिले जेहतु सरकार को सरकार हाईकोर्ट बर्तमान जवाब मानते आसंता 3 सप्ताह मध्य सरकार आवेदनकारी मैंने जो करवा प्रार्थना उपर सरकार जवाब देते 3 सप्ताह मध्य सरकार सत्यपाठ जरिया जवाब दाखल कर सहित बालेश्वर जिला प्रशासन जिलापाल ता सहित बस्ता ब्लक जो अच्छा विडीओ और राज्य सरकार ये 3 जन को बर्तमान 3 जन हाईकोर्ट बर्तमान जवाब मांगी से सत्यपाठ दाखल करेंगे ये जेहतु मामलार परवर्त शुणी आसंता 27 तारीख मध्य रही तो यह जो आप देखिए जो राज्य सरकार को जो आरंभ होता जो आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना राज्य सरकार को कारण साधारण निर्वाचन आसुची 2024 निर्वाचन जो प्रकार गोटे हाइप जारी कर राज्य सरकार पक्षर आम ओडिशा नवीन ओडिशा बोली ताको हाईकोर्ट को गोटे बड़ झटका लगी खास करे जो प्रकल्प पाई जो भाव अर्थ मंजूर करा जाइतला ताको बेस कड़ा भाषा रे भर्सना करछन्ति हाईकोर्ट निश्चित भाव में किसी दिन पूर्व आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना घोषणा करोजना अनुसार पाखापाखि 50 लाख टंका गोटे पंचायत को दि जाऊला विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य करने किंतु से सीधा सड़क किसी लोक से कार्य कार्यादेश दि जाऊला से करते पंचायत रो मैंने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अच्छा विशेषकर सरपंच इत्यादि से सहयोग निला पल्ली सेवा ग्राम सभा डक ना तो गोटे पंचायत हूँ लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन डेमोक्रेसी आमर संविधान पंचायत राज व्यवस्था को
73 amendment ରେ ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ତ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଡେଇ ଦେଇକିରି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖି ଦେଇକିରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 50 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ମଠ ନିର୍ମାଣ ହଉ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହଉ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହଉ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି ଏବଂ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନେଇକିରି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର କିଛି ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଆସିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଆର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ ରହିବ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କୁ ବାଇପାସ୍ କରାଯାଇଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ମାନେ ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ନ ଯାଆନ୍ତି ବି ଏଇ ଯୋଉ କୋର୍ଟର ଏଇ କେସ୍ର ଭର୍ଡିକ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଉପରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ତାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଇଏ ଛାଟ ଲାଗିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନୀ ଗୋଟିଏ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାରଣ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଏବଂ ସରକାର ଇଏ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ଗୋଟି ହିସାବରେ ଚଲେଇଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଦାଲତ ଝଟକା ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି କି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ ଏବଂ ବିନା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି।